पोपोन कितने ही मशहूर कलाकार क्यों ना हो, लेकिन एक रियलिटी शो के वीडियो में वो जो करते नजर आ रहे हैं उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में ये मामले सामने आते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि चाइल्ड एब्यूज सिर्फ वही होता है। बाल यौन शोषण के मामले कहीं भी सामने आ सकते हैं, बच्चों से गलत बर्ताव कहीं पर भी और कोई भी कर सकता है। ये क्या है? 2016 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 30 मिनट में एक बच्चे के साथ यौन शोषण जैसी घिनौनी हरकत होती है। यही नहीं बल्कि हमारे देश में पिछले 5 साल में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के दर्ज हुए मामलों में 151% की बढ़ोतरी हुई है। बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों में अक्सर देखा गया है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि करीबी रिश्तेदार या जान पहचान वाला ही होता है। पेपोन का वीडियो सामने आने के बाद बाल यौन शोषण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस केस में पेपोन ने सफाई देते हुए ट्विटर पर कहा कि ये उनका बच्चों से प्यार करने का तरीका है, लेकिन बच्चों से प्यार करने का ये तरीका कई बॉलीवुड हस्तियों और देश के लोगों को भाया नहीं। रवीना टंडन ने ट्विटर पर पेपोन की इस हरकत को शर्मनाक बताया और उन्हें अरेस्ट करने की वकालत की। वही रवीना ने कहा कि बच्चे के पेरेंट्स पर दबाव बनाया जा रहा है और ऐसी हरकत के बचाव में अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। फराह खान, गौहर खान, अशोक पंडित, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने पेपोन की इस हरकत पर आपत्ति जताई। आम लोगों ने भी पेपोन की इस हरकत को गलत बताया। जो हमने देखा है कल रात टीवी पे, एक्चुअली मैं बहुत पसंद करता था पेपोन को, अच्छा सिंगर है, गाना भी अच्छा अच्छा गाया है, लेकिन जो उसका हरकत देखा हमने उसका बाद आई स्टार्ट टू यू नो हेट हिम। गर्ल्स को लेकर ये बताया जाता है कि गर्ल्स चुप रहें, ज़्यादा ना बोलें, लेकिन हमें इनको इतनी तो आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी बात कह सकें। जब तक बच्चे माँ बाप से ही क्लोज नहीं होंगे या टीचर्स को अपनी बात नहीं बता पाएंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो हमें उन्हें इतना राइट देना चाहिए कि उनके दिल में जो बात आए वो खुल के हमसे कह सकें। इफ आई स्लैप हिम राइट नाउ डज इट मीन कि मैंने इसको मतलब मैं इससे लड़ रहा हूँ, मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं इसको प्यार से मार रहा हूँ, बट ऑब्वियसली अगर उस कंटेंट को देखा जाए तो इट कम्स टू दैट कंक्लूजन कि मतलब ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है गलत। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इससे एनवायरमेंटली चाइल्ड को और या टीनेजर्स को उनके ऊपर मेंटली इफेक्ट काफ़ी बैड पड़ेगा। हालांकि नाबालिग के माता पिता ने पेपोन को बच्ची के लिए पिता तुल्य बताया। 11 वर्षीय बच्ची ने भी पेपोन का बचाव किया, लेकिन पेपोन की इस हरकत पर सवाल तो उठेंगे ही। बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों को लेकर अक्सर यह देखा गया है कि इन पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, आम लोग भी इस पर खुलकर अपने बच्चों से बात नहीं करते। कहीं हमारी ये चुप्पी हमारे बच्चों के लिए महंगी तो साबित नहीं हो रही?